नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारत ने न्यूजीलैंड को मुंबई में खेले गए टेस्ट में 372 रन से हरा दिया। यह टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत रही। इस मैच में एक अजब संयोग निकलकर सामने आया है। इस टेस्ट से पहले रन के अंतर में भारत को सबसे बड़ी जीत दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर मिली थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शनिवार को सिंधिया ने गुना में सिंह के करीबी रहे हरिंद्र सिंह सहित कई कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल कराया था। इस पर दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर हमला बोलते हुए उन्हें गद्दार कहा था। अशोकनगर में रोड शो के बाद सिंधिया ने इस पर कहा कि मैं उनके स्तर पर गिरकर बात नहीं कर सकता। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने विंटर एक्शन प्लान के तहत 2 महीने के भीतर शहर में प्रदूषण रोधी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर 1 लाख से ज्यादा चालान काटे। स्पष्ट आंकड़ों की बात करें तो संबंधित अपराधों के लिए पिछले 2 महीनों के दौरान 1,08,004 चालान जारी किए गए, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा फिर से मंडराने लगा है। ऐसे में कई देश अपने नागरिकों को बूस्टर डोज दे रहे हैं, लेकिन भारत में अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। इस बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के पता चला है कि भारत के कई लोग दूसरे देशों में जाकर बूस्टर डोज ले रहे हैं। इन लोगों में बड़े उद्योगपति, घराने या फिर बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सड़कों पर उतरने से नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन करने से बात बनेगी और बसपा इस बार सत्तासीन होगी। उन्होंने कहा कि कुछ संगठन बनाकर कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद ऐसे संगठन ना तो घर के रहते हैं ना ही घाट के। स्काई मेट वेदर के प्रमुख मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत के अनुसार रविवार को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की संभावना बनी हुई थी, लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में ही सक्रिय रहा जबकि मैदानी इलाकों में सिर्फ बादल छाए रहे। उन्होंने बताया कि 8-9 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर से बादल छाए रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। टीकाकरण के साथ ही सामान्य बेड और आईसीयू को तैयार रखने, दवाओं के इंतजाम पर भी जोर दिया गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डेल्टा प्लस की अपेक्षा कम खतरनाक बताया जा रहा है, फिर भी राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्शदाता समिति ने इस नए वेरिएंट से निपटने की पुख्ता रणनीति तैयार की है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सोमवार को गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम स्थित दासना देवी मंदिर में सनातन धर्म ग्रहण कर लिया। ये प्रक्रिया यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के माध्यम से धार्मिक रीति रिवाज से पूर्ण हुई। वसीम रिजवी ने सबसे पहले वैदिक मंत्रों के साथ मां काली की पूजा की और उसके बाद उनका शुद्धिकरण हुआ। उन्होंने ब्राह्मण समाज में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का नाम दिया गया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को कारोबार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। सेंसेक्स जहां 88 अंकों की बढ़त के साथ खुला, वहीं निफ्टी ने भी मामूली बढ़त के साथ शुरुआत की। सेंसेक्स 1.31% बढ़त के साथ 57,778.01 के स्तर पर खुला, जबकि निफ्टी 12.35 अंक या 0.07% की तेजी से 17,209.05 के स्तर पर खुला। हालांकि कारोबार शुरू होने से कुछ ही देर बाद दोनों सूचकांकों में गिरावट आई और सेंसेक्स 144 अंक लुढ़क गया। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड UPBEB द्वारा आयोजित की जाने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET के लिए परीक्षा की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। गौरतलब है कि इसका आयोजन 28 नवंबर को किया जाना था, लेकिन पेपर लीक हो जाने के बाद ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।